खरगोन जिले के भिकनगांव में सोमवार को कृषि उपज मंडी के 40 कर्मचारी मॉडल एक्ट वेतन भत्तों की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। गौरतलब है कि मॉडल एक्ट के विरोध में 3 सितंबर से 7 सितंबर तक प्रदेश की सभी 259 मंडियों में हड़ताल रखी थी, परंतु मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री के आश्वासन पर मंडी कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त कर दी थी। कर्मचारियों ने 15 दिनों का समय दिया था, परंतु मंडी कर्मचारियों की मांगें नहीं मानी गई, जिस पर पुनः संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर फिर मंडी के सारे कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। भिकनगांव से शक्ति धनगर की रिपोर्ट। सर, ये हड़ताल आपने की है, क्या है पूरा विषय? सर, ये हड़ताल हम संयुक्त मोर्चा भोपाल के माध्यम से हमारी मंडियों को बचाने के हिसाब से किसानों के हित के लिए पूर्व में हम 3 तारीख से 7 तारीख तक हड़ताल पर बैठे थे और हमारी हड़ताल चल रही थी, परंतु हमें मुख्यमंत्री द्वारा, कृषि मंत्री जी द्वारा आश्वासन दिया गया कि हम आपकी मांगे पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेंगे, परंतु आज दिनांक तक हमारी मांगे स्वीकार नहीं हुई। अतः इसलिए संयुक्त मोर्चे के प्रावधान में फिर हम 25 सितंबर तक पुनः हड़ताल, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। अब अभी जब तक संयुक्त मोर्चे का आधिकारिक आदेश नहीं आते, जब तक हमारी हड़ताल अनिश्चित रहेगी। क्या आपकी मुख्य मांगे क्या? सर, हमारी मुख्य मांगे वेतन भत्ता है। अगर मंडियां बंद हो गई, व्यापारी बाहर माल खरीदने लग गए, तो मंडी में टैक्स नहीं आ पाएगा और हम फिर हमको वेतन नहीं मिल पाएगा। हमारी मेन मुख्य मांग है वेतन भत्ते। हमारे वेतन मांगे हमको राज्य शासन में कर्मचारी घोषित करते, फिर इनका अध्यादेश लागू करे नहीं करे, हमको मंडियों से वेतन भत्ते, हमारे केवल मुख्य मांग हमारी वेतन भत्ते। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।